नमस्कार, केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। न्यू एंजल सोम डिग्वाडी स्कूल प्रबंधन द्वारा कोरोना काल के बाद स्कूल खुलते ही छात्रों की फी माफ कर अभिभावकों को बड़ी राहत दी गई। आपको बताते चलें कि 1 अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक नर्सरी से 5 तक के लगभग 500 छात्र छात्राओं के 22 महीने का फी माफ़ करने की घोषणा स्कूल के प्राचार्य एमएस अख्तर ने प्रेस वार्ता में की। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से प्राचार्य के अलावे मोहम्मद नियाज, पवित्रा मजुमदार, आफताब सुचित सिंह तथा अनीता कुमारी मौजूद थे। आप बने रहें केसीएन टीवी चैनल के साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ। अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस वार्ता, जहां स्कूल के प्राचार्य प्रेस से हैं मुखातिब। जी हां, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube पर टाइप करें केसीएन टीवी 24/7 और बेल आइकन दबाना न भूलें। हमारा संपर्क नंबर 8789366223। केसीएन टीवी चैनल हर वह खबर लेकर आता है आपके समक्ष जो होता है समाज का आईना। जी हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जो है न्यू एंजल्स होम के प्रांगण में स्कूल मैनेजमेंट के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ये सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए तमाम मीडिया बंधु का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो चौथा स्तंभ है और हमेशा जो है आप लोग धन्यवाद के लिए बहुत अथक परिश्रम करते हैं। मैं उनका अपने जो है स्कूल की तरफ से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ कि 23 महीने के बाद नर्स 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को भी जो है विद्यालय आने की अनुमति दी गई। इसके पहले जो है कुछ महीनों के लिए 6 से 12 तक के बच्चों को बुलाया गया था, और कोरोना काल में जब जो है संक्रमण का दर बढ़ने लगा तो जो है फिर स्कूल को बंद कर दिया गया। न्यू एंजल्स होम का ये अथक प्रयास रहा कि 2020 से लेकर के आज तक जो है स्कूल खुलने तक यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने अथक प्रयास से जो है ऑनलाइन के माध्यम से, अपने स्कूल ऐप के माध्यम से यहाँ के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का हमेशा कर्तव्यबद्ध रहे और हमेशा शिक्षा देते रहे। समय समय पर टेस्ट, समय समय पर एक्टिविटीज, एग्जामिनेशन सारा ऑनलाइन के माध्यम से हुआ। अब ऑफलाइन क्लासेस जो है 7 फरवरी से हम लोग यहाँ चला रहे हैं। चूंकि स्कूल के साथ यहाँ के बच्चे और अभिभावक स्कूल के परिवार में सम्मिलित है और शिक्षक भी उस परिवार का एक हिस्सा है, तो इन सारी बातों को देखते हुए चूंकि कोरोना में जो है सारे गार्जियन का, लगभग बहुत सारे अभिभावकों का आर्थिक स्थिति बहुत चरमरा गई, स्कूल प्रबंधन ने ऐसा निर्णय लिया कि नर्सरी से लेकर के फाइव तक में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो लगभग 500 की संख्या में है, उन सारे बच्चों का फी 23 महीने का स्कूल प्रबंधन ने माफ करने का निर्णय लिया। साथ ही अगर कोई नए नामांकन करवाते हैं तो उसमें भी जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी उनको नामांकन में भी हम लोग काफी जो है छूट देंगे। आज सिर्फ फीस माफ करना बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, फीस माफ करके गार्जियन को ये बहुत बड़ी राहत है कि जिन बच्चों का जो पढ़ाई पैसे के कारण नहीं रुकना चाहिए, एजुकेशन या स्कूल जो है एक सर्विस है जो हम लोग अपने सोसाइटी को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। एक अच्छे शिक्षक का यह संस्कार होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अथक प्रयास करते रहे। मैं
आप सभी मीडिया बंधु से भी के द्वारा ये गार्जियन से भी निवेदन करूंगा कि स्कूल खुल गया है वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। और चूंकि दो साल में थोड़ा बहुत जो अंतर हुआ है पढ़ाई का, उस पर आप लोग भी विशेष ध्यान दें, शिक्षकों का सहयोग दें और फिर जो है बच्चों को पढ़ाकर एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करने में अपने बच्चों को उस लायक बनाया है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और ताजा खबर लेकर। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।